नमस्कार बच्चों, एपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास टेंथ का प्रश्नावली 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी आज हम सभी पढ़ेंगे। ये जो प्रश्नावली 9.1 है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, इसमें दो कोण के बारे में आपको सबसे पहले अध्ययन करना है, एक उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण। तो ध्यान दीजिए, जब भी ये धरती क्या है, क्षैतिज है, धरती से कोई व्यक्ति किसी दूर ऊपर वस्तु को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको कोई व्यक्ति देख रहा है, तो जो उसकी आँख पर कोण बनता है, जो देख रहा है ना, तो यहाँ एक कोण बन रहा है ना, क्योंकि देखिए ये क्षैतिज रेखा हो गया, धरती पार्लर समानांतर क्षैतिज, और ये क्या हो गया, वस्तु, यहाँ वस्तु है, तो ये क्षैतिज हो गया, धरती से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो यहाँ एक कोण बनता है जिसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो जबकि वहीं यह एक मीनार है, एक भवन है, भवन के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से कोई धरती पर एक वस्तु रखा हुआ है जिसको कोई देख रहा है व्यक्ति, तो उसके आंख पर जो कोण बनेगा वह क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। और हम सभी ये भी जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को, जब दो ये समानांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करता है, तो यह कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर अंतः कोण से। तो इस प्रकार से यह कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये क्या होता है, आसमान में क्षैतिज रेखा हमें प्रतीत होता है। अगर इससे हम इस रेखा को मिला देते हैं, क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो यह इसके बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है, यह जो क्षैतिज है इसके बराबर होता है, और यह क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। इस प्रकार ये त्रिभुज को हम उल्टेंगे तो यही त्रिभुज प्राप्त होगा। इसलिए जब भी अवनमन कोण कहेगा तो हमें इस त्रिभुज को देखने की जरूरत नहीं है, हमें इसी त्रिभुज से उस मैथ को भी बनाना होगा। जबकि उन्नयन कोण में ऑलरेडी ये कोण दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का एक भुजा होता है और हमें जो मान निकालना होता है इसमें निकल जाता है, जो अन्य मान दिया रहता है। तो जब हम धरती से देखते हैं तो यह उन्नयन कोण हो गया, यह अवनमन कोण हो गया। इस पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11, एनसीईआरटी का बुक आपके पास होगा ही, देखिए आकृति इसका दिया हुआ है। पहले हम फिगर बनाते हैं पहला क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 9.1 का, देखिए यह आकृति दिया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी। सी कितना डिग्री कोण दिया हुआ है, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, और एसी का लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है, यहाँ से एक कलाकार चढ़ने का काम लगा रहा है, ये डोर एसी लगा हुआ है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, बिल्कुल तना हुआ ये बांधा गया है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यह ए भी एक क्या है, खंभा है, खंभा जब भी होता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है धरती के साथ, ठीक है, और इस खंभे से इस डोर को बांधा गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यह डोर द्वारा जो कोण बन रहा है भूमि के साथ, 30 डिग्री का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, एच बराबर व्हाट, एच का हमें मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए एबीसी त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने का जो सम्मुख भुजा होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। लंब हमें ज्ञात करना है, कर्ण दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिए कौन सा ऐसा
त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका सूत्र में लंब और कर्ण का जिक्र होता है। तो दो ऐसा फॉर्मूला है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसके तीन उल्टा होते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। तो लंब और कर्ण किस किस के फॉर्मूला में आता है, तो साइन और कॉसेक के फॉर्मूला में आता है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, या कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। तो साइन थीटा यहां लेंगे, इसलिए साइन थीटा लेंगे क्योंकि कर्ण दिया है, लंब निकालना है, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, या कॉसेक थीटा लेंगे, कोई एक ले लेंगे। तो साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, चलिए साइन 30 डिग्री ले लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, मान निकालने का तरीका हमने बताया था ना, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, मतलब 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, आप सभी को याद ही होगा। पी का मान नहीं दिया है, पी का मान नहीं दिया है, एच ना मान करके ए बी भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एच से हम हाइपोटेनस को सूचित किए हैं। ए बी निकालना है, ऊंचाई निकालना है, कर्ण कितना है 20 है, कर्ण कितना है 20 है। प्रश्न मल्टीफिकेशन, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, 1 × 20 आप बराबर ए बी गुणे 2, या ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20/2, कट गया 2 × 1 = 20, इसलिए ए बी बराबर कितना आ गया 10 मीटर, यानी कि खंभा का लंबाई आपका कितना आ गया 10 मीटर। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ है आंधी आने से टूट जाता है, चलिए एक पेड़ है आंधी। देखिए ये ए बी हम पेड़ ले लिए, और ये जो है ना पेड़ का एडी भाग टूट करके जमीन से छू रहा है सी बिंदु पर, कहाँ छू रहा है सी बिंदु पर। इस प्रकार से जो एडी का लंबाई होगा वह डीसी के बराबर होगा, जो यह लंबाई होगा इसके बराबर होगा। आगे क्वेश्चन ही ना कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यह पेड़ यहाँ से टूटा और टूट करके क्या हुआ, यहाँ जमीन के सी बिंदु पर लगा, तो यह क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। यह जो है यही पेड़ टूट कर ये हुआ है, मतलब जो एडी है वही डीसी है। यहां पर एडी बराबर क्या हो गया, डीसी हो गया। क्या ज्ञात करना है, पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये पेड़ का ये पाद बिंदु से ये दूरी कितना है 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई ए बी होगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा ए बी, और ए बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी। ध्यान दीजिए यदि ये डी सी का मान निकल जाएगा, ए डी, एक मिनट, ये ए डी हो गया ना, आइए डी बी, डी सी नहीं डी, ए डी प्लस डी बी, ये मिलकर के पेड़ हो गया। बट ध्यान देना है कि जो AD है वो किसके बराबर है, DC के बराबर है, ये इक्वेशन 1 दे रहे हैं। तो AD के जगह हम क्या लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DC प्लस DB, यानी कि हम ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे तो हमारा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ आधार दिया हुआ है ना, कर्ण निकालना है और लंब निकालना है, तो दोनों एक साथ भी निकाल सकते हैं या अलग अलग निकाल सकते हैं। ये आधार दिया है, लंब निकालना है, तो टैन थीटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि टैन का सूत्र में क्या होता है, लंबाई आधार। ये तो फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा ना, पी बी पी बटा में एच एच बी, माने साइन का होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कॉस का होता है बेस बटा हाइपोटेनस, और टैन का होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस। तो आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, आधार दिया है, तो टैन थीटा लगा देते हैं, टैन 30 डिग्री। इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए लंब क्या दिया हुआ है, डीबी दिया हुआ है, डीबी बटा में आधार क्या दिया हुआ है, बीसी, या टैन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है ना,
अब बाटा में कॉस 30 डिग्री का मान आप लोगों को बताए थे कि इधर से देखेंगे तो 0 30 45 60 90 ही ना होता है, तो 30 डिग्री ये जाएंगे 1 2 3 तो रूट 3 बटा 2, अगर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाय रूट 3, यानी कि ये कट गया तो 1 बटा रूट 3 हो जाएगा ना, 1 बटा रूट 3। अब बराबर डीबी, डीबी का मान दिया है नहीं दिया है, ज्ञात करना है डीबी का मान, बीसी का मान दिया है 8, या तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए 1 मल्टीप्लाई 8 बराबर डीबी गुणे रूट 3, या डीबी का मान निकाल लीजिए डीबी बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा में रूट 3। एक तो मान निकल गया ना ये डीबी का, अब हमें क्या निकालना है डीसी का मान निकालना है, क्या निकालना है डीसी का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिए डीसी क्या है कर्ण, तो कर्ण है यहाँ आधार दिया है ये लंब दिया हुआ है, आधार दिया हो कर्ण निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे ना आधार बाई कर्ण, तो कॉस 30 डिग्री ले लेंगे, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू इसका सूत्र क्या होता है आधार बाई कर्ण यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, या कॉस 30 डिग्री मान क्या होता है रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 कॉस 30 डिग्री मान होता है ना, चलिए आधार का मान दिया है कितना 8 बटा में कर्ण डीसी, कर्ण का मान नहीं दिया है, या रूट 3 गुणे डीसी इक्वल टू 8 गुणे 2, या डीसी बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 2 बटा में रूट 3, गुणा कर दीजिए 8 दूनी 16 बटा में रूट 3 आ गया। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है एबी है, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या करेंगे ए बी है, ऊंचाई बराबर क्या दिया हुआ है ए बी, ए बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं डीसी प्लस ए डी प्लस डी बी, डी बी जबकि ये ए डी बराबर डी सी दिया हुआ है ना समीकरण एक से, तो ए डी के जगह पर हम डी सी रख सकते हैं ना, यानी कि डी सी प्लस डी बी, बताइए डी सी का मान कितना है, डी सी का मान आया है 16 बटा रूट 3 प्लस डी बी का मान कितना आया है 8 बटा रूट 3, रूट 3 रूट 3 का लसा क्या होगा रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 से भागा देंगे एक बार में जाएगा, 1 से 16 में गुणा होगा 16 हो जाएगा, प्लस रूट 3 से भागा दिया रूट 3 में एक बार में जाएगा, 1 से 8 में गुणा होगा 8 हो जाएगा, तो 8 और 16 कितना हो जाता है 24 बटा में रूट 3। आप सभी को पता है कि कभी भी हर में रूट को नहीं रखा जाता है ना, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था ना, इसलिए इसका क्या करेंगे हर का परिमेयकरण रूट 3 बटा रूट 3 से गुणा कर देंगे, तो यह हो गया 24 रूट 3 बटा में रूट 3, रूट 3 से गुणा 3 हो जाएगा ना, दो के लिए उबारा जाता है ना, 3 एकम 3 बटे 24 यानी कि आ गया 8 रूट 3 मीटर, ये ऊंचाई हो गया। पेड़ का ऊंचाई कितना है 8 रूट 3 मीटर, पेड़ कौन सा था ए डी था, ए डी भाग टूट करके डी सी बन गया, यानी कि इस बिंदु पर ए आकर के टच कर गया, तो ध्यान दीजिए जो ये ए डी अब प्लस डी बी दो को भाग मिलकर एक बड़ा पेड़ था ना, तो हाई ए डी जो है डीसी हो गया है, तो डीसी हमारा निकल गया कितना आया था डीसी 16 बटा में रूट 3 आया था, और ये डीबी कितना आया था देखिए तो डीबी आया था 8 बटा में रूट 3 आया था, और दोनों को हम जोड़ दिए तो पेड़ का ऊंचाई आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो हमारा सारा वीडियो सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप देख पाइएगा। थैंक यू बच्चों।